सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। भारत और श्रीलंका के बीच पहले वनडे मैच में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दिग्गज लगातार पवेलियन लौटते गए। आखिरी में वक्त आया टीम इंडिया के स्पीडी स्टार भुवनेश्वर कुमार का, जो जब जब टीम इंडिया को जरूरत पड़ी तब तब उन्होंने बल्ले से भी अपना जौहर दिखाया। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार से एक बार फिर उम्मीद थी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने निराश ही किया और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पवेलियन लौट गए। आपको बता दें कि शादी के बाद भुवनेश्वर कुमार का ये पहला ही मैच था और वो अपनी पत्नी नुपुर के साथ धर्मशाला के मैदान मराए थे, लेकिन उनको और उनकी पत्नी को निराशा हाथ लगी। भुवनेश्वर कुमार बल्ले से तो कुछ नहीं दिखा पाए और खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। आपको बता दें कि हाल ही में भुवनेश्वर कुमार और नुपुर नागर की शादी हुई थी, जिसके लिए उन्होंने टेस्ट सीरीज से छुट्टी ली थी। ऐसे में वनडे सीरीज में एक बार फिर से उनकी वापसी हुई थी, लेकिन जब टीम इंडिया मुश्किल में थी तब भुवनेश्वर कुमार अपने बल्ले से कुछ नहीं दिखा पाए और निराशा हाथ लगी। आपको बता दें कि भुवनेश्वर कुमार लकमल का शिकार बने और डिकवेला को कैच दे बैठे। गेंद इतनी जबरदस्त थी कि भुवनेश्वर उस गेंद को नहीं समझ पाए और कॉट बिहाइंड हो गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।